हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक था? पादपों में पोषण टॉपिक चल रहा था ना, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, और इसका जो एक भाग है वो कंप्लीट कर लिया था। इसका एक भाग कंप्लीट कर लिया था। कौन सा? डिटेल स्टडी देखी थी खनिज पोषण के बारे में, है ना। खनिज पोषण है वो कंप्लीट हो गया था, जो पादपों में पोषण का एक भाग माना जाता है। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने आपको जो मेथड बताए थे दो, कौन से मेथड की प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स एक तो होते हैं ऑटोट्रोफ और एक होते हैं हेटेरोट्रोफ। एक होता है ऑटोट्रोफ और दूसरा होता है हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ प्रणाली पाई जाती हेटेरोट्रोफ प्रणाली पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पादप सपोषी होते हैं, और पादप क्या होते हैं? पादप है वो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी हैं वो होते हैं। प्लांट्स सपोषी होते हैं, प्लांट्स विषमपोषी होते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि प्लांट्स विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल विषमपोषी होते हैं। इनकी बाद में स्टडी करेंगे कैसे क्या होता है। सपोषी यानी ऐसे पादप, ऐसे सजीव पादप तो होंगे ही सपोषी, ऐसे पादप जो कि अपना भोजन खुद बनाएंगे। अपना भोजन है, फूड है, वो खुद बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो सपोषी की कैटेगरी में आते हैं। अब क्या होता है प्लांट्स में, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहला एक क्वेश्चन ये होता है कि भोजन पादप हैं, वो फूड खुद बना रहे हैं, वो सपोषी प्लांट्स में इस टाइप का पोषण, तो फूड खुद बनाते हैं तो जो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं प्लांट्स में, वो खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ उपस्थित होती हैं? यानी पादप में जो फूड की फैक्ट्री होती है ना, फूड फैक्ट्री होती है, वो कहाँ उपस्थित होती है, कहाँ उपस्थित है, कहाँ स्थित है वो होती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, और बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, आना भी चाहिए सबसे पहले। सेकंड आता है कि पादप हैं वो क्या, जो फूड हैं कि प्लांट्स हैं वो फूड हैं, वो सिर्फ जो है पादप है वो फूड का निर्माण क्या सभी भागों से करते हैं, सभी भागों से करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है उसके द्वारा जो फूड का निर्माण है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो पादप हैं वो फूड का निर्माण करते हैं, तो वो कच्ची सामग्री है उनको चाहिए होती है, वो कच्ची सामग्री वो कहाँ से या कैसे प्राप्त करते हैं? ये भी अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि कच्ची सामग्री है वो कैसे प्राप्त करते हैं प्लांट्स। और इनका जो स्थानांतरण है, इनका जो स्थानांतरण है, कच्ची सामग्री का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से हो सकता है, ये सब के सब किसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में जो ऑटोट्रोफ प्रणाली पाई जाती है उस प्रणाली के अंतर्गत इन सब का डिस्कस किया जाएगा। होता यह है कि प्लांट्स में भोजन बनाने के लिए एक मैकेनिज्म पाई जाती है, और वो मैकेनिज्म होती है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण एक मैकेनिज्म होती है, इसके थ्रू क्या होता है प्लांट्स भोजन का निर्माण है वो खुद करते हैं, दूसरों पर वो निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए इनमें ऑटोट्रोफ मैकेनिज्म है वो देखने को मिलती है। प्लांट्स ऑटोट्रोफ होते हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ एग्जांपल हेटरोट्रोफ के देखने को मिलते हैं, वो अलग डिस्कस करेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठे, यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है,
पादप अपना भोजन जो बनाते हैं वो भोजन कहाँ बनता है, यानी जो खाद्य फैक्ट्री होती है वो खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है, तो खाद्य फैक्ट्री लीफ में, पत्तियों में खाद्य फैक्ट्री है वो प्रेजेंट होती है। लीफ में या पत्तियों में खाद्य फैक्ट्री है वो प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि भोजन है क्या, पादप भोजन अपने सभी भागों से, जैसे जड़, तना, पत्ती, सभी भागों से फूड का निर्माण करते हैं या कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है, तो प्लांट्स हैं मोस्ट ऑफ लीफ के द्वारा है जो फूड का निर्माण किया जाता है। लेकिन कुछ जैसे ग्रीन स्टेम होते हैं, यंग ग्रीन स्टेम या फिर यंग ब्रांचेज है ना, जो शाखाएं होती हैं, उनके द्वारा भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। कंडीशन है कि वो यंग स्टेज में हो, वो ग्रीन हो। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री का मतलब कि जब फूड बनेगा, भोजन बनेगा, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का जब निर्माण होगा तो वो कच्ची सामग्री चाहिए होगी। कच्ची सामग्री कौन सी होगी? कच्ची सामग्री CO2 होगी। कच्ची सामग्री कौन सी होगी? कच्ची सामग्री के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में वाटर होगा, एंड रॉ मटेरियल के रूप में क्या होंगे? मिनरल होंगे। मिनरल की बात तो मैं आपको कल बता चुकी हूँ, जैसे कि मिनरल और वाटर का जो वो है कैसे प्राप्त करेंगे, तो मिनरल और वाटर तो कैसे प्राप्त करेंगे, मिनरल और वाटर तो प्राप्त करेंगे प्लांट्स जड़ के द्वारा, जड़ के माध्यम से अवशोषण करके मृदा से जो है वो वाटर और मिनरल का जो है वो अब्जॉर्प्शन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। देन CO2 कैसे प्राप्त करेंगे, तो CO2 प्राप्त करेंगे वायुमंडल में जो CO2 प्रेजेंट होती हैं उसको लीफ के माध्यम से उसको प्राप्त करेंगे, लीफ के माध्यम से उसको प्राप्त करेंगे पत्तियों के माध्यम से। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा यानी रंध्र प्रेजेंट होता है। रंध्र के माध्यम से प्लांट्स हैं वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि कच्ची सामग्री होती है, रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस में, वो भोजन के निर्माण के लिए उसको स्टोमेटा के थ्रू पादप है वो ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा में क्या होता है, जैसे कि ये एक रंध्र है, ये एक स्टोमेटा, ये एक छिद्र है ना, इस छिद्र के चारों ओर क्या पाए, इसके दोनों ओर क्या पाई जाएगी, इसके दोनों ओर ऐसी कोशिकाएं पाई जाएंगी है ना, इसके दोनों ओर ऐसी कोशिकाएं जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इसके दोनों ओर ऐसी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं और इनके चारों ओर अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन अलग प्रकार की कोशिकाओं का अलग नाम होता है। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर होगी जो लीफ होती है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, तो इस लीफ में ये एक पार्ट देखें, इस लीफ का ये एक पार्ट मैं मैग्नीफाई करके आपको बताऊं, ये एक पार्ट मैग्नीफाई करके बताऊं स्टोमेटा का, जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा है जैसे अपर पार्ट, लोअर पार्ट है ना, लोअर पार्ट में स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लीफ में। तो ये स्टोमेटा के रंध्र की एक स्ट्रक्चर है। इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया पोर हो गया, या छिद्र हो गया है ना, छिद्र हो गया। ये क्या हो गई, ये गार्ड सेल हो गई, गार्ड सेल है ना, जिसे द्वार कोशिकाएं कहा जाता है, द्वार कोशिकाएं है ना। और ये गार्ड सेल के चारों ओर जो ये वाली कोशिकाएं होती हैं उनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है, सब्सिडियरी सेल कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जो ये गार्ड कोशिकाएं होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। मोनोकोट डाइकोट में जो ये स्टोमेटा, ये छिद्र होते हैं, ये अलग अलग जो गार्ड सेल हैं वो अलग अलग आकार की होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्टोमेटा का निर्माण, रंध्र का निर्माण किन किन के द्वारा होता है, छिद्र, पोर और गार्ड सेल मिलकर स्टोमेटा का निर्माण करते हैं। पोर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, ये मिलकर स्टोमेटा का निर्माण करते हैं, नहीं कि अकेला। यहाँ पे ये आ जाए कि ये एक सिंगल स्टोमेटा, ये एक का क्या जाए, पोर की जगह क्या जाए, अगर रंध्र आ जाए तो वो गलत माना जाएगा है ना,
कि रंधर में पोर्स इंक्लूड होता है ना कि पोर में स्टोमेटा, ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ओके, कहाँ चल रहे थे कि रो मटेरियल कैसे प्राप्त करते हैं, वाटर के द्वारा प्राप्त, जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं, और प्लांट्स में स्टोमेटा के द्वारा CO2 को प्राप्त किया जाता है। अब होता यह है कि इनका जो स्थानांतरण है, इनका स्थानांतरण कि वाटर और मिनरल्स का, खनिज लवण का प्लांट्स है किस प्रकार से, यानी कि खाद्य फैक्ट्री कहाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, पत्तियों में भोजन बनेगा, तो प्लांट्स हैं वो कैसे जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुँचेगा, प्लांट्स में कैसे जड़ से लेकर पत्तियों तक ये वाटर और मिनरल कैसे पहुँचेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जो क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन यहाँ पे, और ऑप्शन में आ सकता है अलग अलग आपके, जैसे कि वाहिनियाँ, वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, इस हिसाब से। तो इनका जो स्थानांतरण है वो होता है किनके द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा है वो इनका जो है वो स्थानांतरण होता है। वाहिकाओं के द्वारा वाटर और मिनरल्स का जो है वो स्थानांतरण होता है। वाहिकाएं क्या होती हैं, वाहिकाएं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि पतले होती हैं, और इनका फैलाव है, इनका फैलाव जड़ से लेकर तना, जड़ से लेकर तना, विभिन्न ब्रांचेज, फिर पत्तियों, है ना, सभी जगह है इनका जो है वो फैलाव होता है वाहिनिकाओं का, वाहिकाओं का, सॉरी वाहिनिकाएं नहीं, वाहिकाओं का सभी जगह जो है वो फैलाव होती हैं। और किस प्रकार से ये एक सतत मार्ग, ध्यान दीजिए, वाहिकाओं के द्वारा एक सतत मार्ग का निर्माण किया जाता है, कॉन्टीन्यूअसली पाथ का निर्माण किया जाता है, और इस कॉन्टीन्यूअसली पाथ के थ्रू ये है जो जड़ से लेकर ये लीफ में वाटर और मिनरल्स हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है अगला कि अगर लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं, इजीली से ऐसे समझ में आएगा और आगे जानने की इच्छा जागरूक होगी, क्या क्या आगे क्या होने वाला है, तो इंटरेस्ट बना रहेगा इस चीज़ में, है ना। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि लीफ में ऐसी क्या स्ट्रक्चर होती है, लीफ में ऐसी क्या संरचना होती है, क्या संरचना होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जिससे इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है कि प्लांट्स लीव में ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसके माध्यम से इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि पादप के किसी अन्य भाग में नहीं होता। एक्सेप्शन याद रखना, मैंने जो है यंग स्टेम और यंग ब्रांचेज, जो ग्रीन स्टेम ग्रीन ब्रांचेज बताई, उसके अलावा पादप के किसी अन्य भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पत्तियों में ही होता है। पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता पाई जाती है, तो पत्तियों में एक विशेषता पाई जाती है, वो है, वो विशेषता क्या है कि पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट नहीं, यानी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एक संरचना होती है, उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, हरित लवक है वो प्रेजेंट, सॉरी हरित वर्णक है वो प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है, क्लोरोफिल को हरित वर्णक कहा जाता है। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट संरचना पाई जाती है पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक है वो प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल वर्णक क्या काम करता है, क्लोरोफिल वर्णक का क्या काम होता है कि ये जो प्रकाश से आने वाली ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। अब प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल वर्णक स्टोर क्यों करेगा, क्यों आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो ऊर्जा होगी ना,
ये प्रकाश ऊर्जा होगी ना, इस ऊर्जा की मदद से क्या होगा, इस ऊर्जा की मदद से जो भोजन का निर्माण है, जो फूड का निर्माण है, वो प्लांट्स कर पाएंगे। इस ऊर्जा की मदद से प्लांट है वो भोजन का निर्माण कर पाएंगे। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, अब आपको समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है अब आपको समझ में आएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्लांट्स के द्वारा CO2 और H2O के द्वारा जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक की प्रेजेंस में भोजन का निर्माण होता है, वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि मैं रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। ये रिएक्शन आप है वो ध्यान में रखना, क्योंकि जो है वो संतुलित रिएक्शन पूछी जा सकती है, और सेकंड ग्रेड में भी ऐसी रिएक्शन आ गई थी। प्रकाश संश्लेषण की क्या रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। 6 मॉलिक्यूल CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, H2O वाटर के 12 अणु मिलकर के क्या निर्माण करता है, C6H12 O6, यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और 6 अणु क्या किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। लेकिन ये इक्वेशन क्या सही है, ये सही नहीं है। तो कैसे सही होगी कि मैम आपने बताया था कि क्या बताया था, प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पे प्रकाश लाइट की ज़रूरत होगी, लाइट को यहाँ पे डिनोट करना होगा। दूसरी क्या ज़रूरत होती है, दूसरी यहाँ पे ज़रूरत होती है हरित वर्णक की, यानी क्लोरोफिल है उसको डिनोट करना होगा, है ना। यानी क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और यही क्या हो गया, यही प्रकाश संश्लेषण हो गया। यानी यही क्या है, पादपों में पोषण का जो मैकेनिज्म में पाया जाता है वो इस प्रकार से है। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के घटक क्या हो गए, प्रकाश संश्लेषण के क्या घटक हो गए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण के क्या घटक हो गए, ये आपके सामने हैं। आप इसे इस प्रकार से हैं कि प्रकाश संश्लेषण के कार्बन है, हाइड्रोजन है, हरित वर्णक है, लाइट है, ये क्या हो गए, ये इसके जो है वो घटक हैं, इनमें इंक्लूड हो गए। इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, भोजन बनता है, वो क्या होता है, वो पत्तियों में रूपांतरित हो जाता है। पत्तियों में वो रूपांतरित हो जाता है, और किस में रूपांतरित होता है, वो स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, मंड में रूपांतरित हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अब देखो मैंने बता भी दिया है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे पता लगाया जाए कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पत्तियों में, लीफ में प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो चुका है, चल रहा है नहीं, संपन्न हो चुका है। तो कैसे पता लगेगा, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति से, पत्तियों में प्रोटीन की उपस्थिति से, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है और इम्पोर्टेंट है कि अगर पत्तियों में स्टार्च की प्रेजेंस है, पत्तियों में स्टार्च उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड रूपांतरित हो चुका है स्टार्च में, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, प्रकाश संश्लेषण है वो कंप्लीट हो चुका है, ये इसका साइन है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखना। पत्तियों में एक जो है वो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में लीफ के अलावा जो है वो
स्टेम और ये भी स्टेम यंग स्टेम और ब्रांचेज भी क्या करती हैं जो है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं ना, मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, मरुस्थलीय पादप में क्या होता है, मरुस्थलीय पादप में जो है वो इनमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। मरुस्थलीय पादप में पत्तियां, लीफ हैं, पत्तियां हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं किसमें, या तो मैंने आपको बताया था थोन में, है ना, जब मैं पढ़ा रही थी रूट स्टेम लीफ, या फिर मैंने बताया था स्पाइन में, है ना। स्पाइन और लीफ, स्पाइन और थोन में क्या है कि पत्तियां हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं। एक्चुअली होता है थोन में, मोस्ट ऑफ स्टेम थोन में ये है मॉडिफाइड होता है स्टेम का रूप, पत्तियां मोस्ट ऑफ स्पाइन में होती है ना, स्पाइन में, मोस्ट ऑफ स्पाइन में, देन ऑप्शन में थोन भी आ सकता है, थोन भी आ सकता है स्पाइन में। स्पाइन यानी सूल होता है, स्पाइन यानी सूल होता है और थोन यानी कांटे होते हैं। कांटे और सूल में तो आप डिफरेंस को आपको पता ही है क्या होता है। तो अगर वो सूल में रूपांतरित हो जाती है तो उन्हें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, और क्वेश्चन में दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनको क्या ज़रूरत होती है कि पत्तियां हैं वो स्पाइन में जो है वो सूल में रूपांतरित हो। पहली बात तो ये है कि सूल में रूपांतरित होगी तो जो फोटोसिंथेसिस होगा जीरोफिटिक प्लांट्स में, वो इनका जो तना होगा वो ग्रीन होगा, ग्रीन तने के द्वारा इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी वहाँ पर भोजन का निर्माण होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि बोले मैम इनको क्यों ज़रूरत होती है रूपांतरित होने की, तो ज़रूरत इसलिए होती है कि जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मरुस्थलीय पादप होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं कि जहाँ पे जल की उपस्थिति बहुत कम होती है, टेम्परेचर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इट मीन्स ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन है वो मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा। अगर लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट्स में जल की बहुत ज़्यादा हानि होगी, क्योंकि लीव्स में आपको पता है कितनी अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं नहीं, वाटर का बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होगा, और वाटर इतनी मात्रा में प्लांट्स के पास में प्रेजेंट ही नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए अडेप्टेशन पाया गया इन जीरोफिटिक प्लांट्स में, और वो किस में कि लीफ है वो कन्वर्ट होगी स्पाइन में, सूल में, और जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम के द्वारा है वो होने लगा। ये करैक्टरिस्टिक पाया जाता है मरुस्थलीय पादपों में। अगला एक क्वेश्चन ये उठ सकता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख के फिर आपको इसके बारे में समझाऊँ आगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन है पादप में पादप में कौन सी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, है ना, ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दे दिए, लाल पत्ती, भूरी पत्ती, बैंगनी पत्ती, या फिर ऐसे मान लो, चलो मैं ये कर देती हूँ, बैंगनी पत्ती की जगह ग्रीन लीफ कर देती हूँ, हरी पत्ती, हरी पत्ती, और एक ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, पत्ती सही नहीं है शायद, पत्ती ऐसी होगी, पत्तियां होंगी वैसे, है ना, हाँ ओके। आपके सामने क्वेश्चन है कौन सी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, लाल पत्ती, भूरी पत्ती, हरी पत्ती, उपयुक्त सभी, आप कौन सा करोगे? श्योर है 101% आप ग्रीन पत्ती के करोगे ना,
और आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लाल पत्ती, भूरी पत्ती, हरी पत्ती और ये उपयुक्त सभी आएगा, सभी पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस करती हैं, दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या लाल पत्ती होती हैं, भूरी पत्ती होती हैं, बैंगनी कलर की पत्ती होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं? अगर करती हैं तो फिर उनका कलर है वो ग्रीन क्यों नहीं होता? आपने पढ़ा है अभी कि ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल होता है, तो इनका ग्रीन क्यों नहीं होता? कारण ये है कि ये सभी पत्तियाँ भोजन का निर्माण करती हैं, लेकिन इन पत्ती, लाल पत्ती, भूरी पत्ती, पीली पत्ती में क्या होगा? इनमें ये होगा कि जो वर्णक है, इनका जो वर्णक है, रेड ग्रीन, ये रेड है, ब्राउन है ना, इनका जो वर्णक है ये हरे वर्णक, हरा वर्णक है, क्लोरोफिल है, वो भी इनमें प्रेजेंट होगा। इनका वर्णक है जैसे इरिथ्रो, इनका जो रिस्पॉन्सिबल कलर होता है इरिथ्रोमाइसिन वगैरह, इनका कलर भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, हरा वर्णक भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ये वर्णक ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे और हरे वर्णक को प्रच्छादन कर देते हैं, यानी ढक लेते हैं, यानी कि हरे वर्णक को क्या करेंगे, हरे वर्णक को ये जो ब्राउन रेड ये वर्णक है ये ढक लेंगे, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में होंगे, ये कम मात्रा में होगा, इसलिए ये इनको ढक लेंगे, अतः पत्ती का कलर हमें रेड ये सब दिखाई देगा, जबकि वो फोटोसिंथेसिस तो वो लीफ करे ही करेगी, क्योंकि उसमें हरा वर्णक प्रेजेंट है, हो सकता है कि कम उपस्थित है, इसके कारण हमें पत्ती का कलर है वो हरा दिखाई नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखना कि फोटोसिंथेसिस है वो करती है ग्रीन पत्तियाँ। आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे कि तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं, या फिर गीली दीवार होती हैं, उन पे जैसे कि एक काई जैसे पदार्थ है ना, काई जैसे पादप है ना, काई जैसे पादप वो उपस्थित होते हैं, और ये कुछ कुछ की मतलब कुछ जीवों की वृद्धि के कारण ये होते हैं, हरे रंग के वो हैं, वो दिखाई देते हैं हरे रंग के, है ना, कुछ जीवों की ग्रोथ होती है और उनको कहा जाता है सेवान, एल्गी कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस किन में होता है, फोटोसिंथेसिस इन एल्गी में प्रेजेंट होता है, एल्गी कहा जाता है, सेवाल कहा जाता है ना, एल्गी है वो हरे वर्णक होती है, हरे कलर की होती है, एल्गी हरे कलर की होती है, इसमें भी क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कौन से पादप करते हैं, क्वेश्चन आ जाए हायर प्लांट, उस श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के पादप, काई जैसे पादप, एल्गी, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा, फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी के द्वारा भी, शैवालों के द्वारा भी किया जाता है। पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का गठक है, पादपों में मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट बताया, तो इस कार्बोहाइड्रेट का गठक क्या है, कार्बोहाइड्रेट का गठक है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कार्बोहाइड्रेट का गठक है, यानी अपन ने ये पढ़ लिया कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस तो होता है और प्लांट्स में इस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है, लेकिन मैंने एक चीज़ ये बताया था कि प्लांट्स में जो भोजन के गठक हैं, बोले मैम कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आपने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट, प्रोटीन, इनका निर्माण प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, तो इनके बारे में भी थोड़ा कुछ बता दीजिए ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। कार्बोहाइड्रेट तो डिस्कस कर लिया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जो घटक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिलकर दूसरा खाद्य पदार्थ है उसका निर्माण करते हैं, दूसरा खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो खाद्य पदार्थ है प्रोटीन, और ये सारी की सारी प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर ही होती है, लेकिन बोले ये मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में क्या अंतर हो गया, प्रोटीन में एक चीज़ और
और ज़रूरत होगी वो नाइट्रोजन होगी, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये चार घटक चार कंपोनेंट मिलकर किसका निर्माण कराएंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो प्लांट्स में प्रोटीन का निर्माण है वो इनके द्वारा होता है, यानी नाइट्रोजन और मिल जाए तो प्रोटीन है प्लांट्स में बन जाएगी। अब आपके दिमाग में यह आता है क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है, प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब क्या प्लांट्स उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, जैसे कि CO2 को प्लांट्स ऑब्जॉर्व कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू, तो क्या प्लांट्स उस वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे। इसके लिए एक ऑप्शन पाया जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को तो प्रोटीन चाहिए होगी, प्रोटीन नहीं होगी तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स को तो प्रोटीन चाहिए होगी। इसके लिए एक क्या पाया गया, एक मैकेनिज्म पाया गया कि कुछ जीवाणु होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मृदा में और वायुमंडल में भी जीवाणु हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो जीवाणु क्या काम करते हैं, वायुमंडल मृदा में जो जीवाणु बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, वो बैक्टीरिया काम करेंगे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे किस में, नाइट्रोजन के यौगिकों में, नाइट्रोजन के यौगिकों में इसको कन्वर्ट करेंगे। देन इन यौगिक का प्लांट्स हैं वाटर के साथ में सोल्यूबल कंडीशन में मृदा से इनको अब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ से क्या मिलेगी, इनको नाइट्रोजन मिल जाएगी और प्लांट्स हैं वो प्रोटीन का जो है वो निर्माण कर लेंगे। इसके बाद में फेट का निर्माण भी आगे इन खाद्य पदार्थों से हो जाएगा। इस प्रकार से जो मिट्टी में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं और जो प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया पहुंचाने का काम करते हैं। अब प्लांट्स में ऑटोट्रोफ की कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी पादपों में पोषण है वो सहपोषी जो विधि थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। डिटेल में नहीं जाना कि क्या फोटोसिंथेसिस में क्या PS1 होता है, PS2 होता है, कैसे वाटर निकलता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से निकलती है ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी और C3 प्लांट C4 ऐसे कुछ नहीं जाना, आपको सरफेस के तौर पे जितना दे रखा है सिलेबस में वैसे स्टडी करनी है। पादपों में पोषण की जो दूसरी मेथड होता है जो कि हेटेरोट्रोफ होता है, हेटेरोट्रोफ यानी परपोषी जो मेथड पाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। परपोषी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पादप जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरी प्लांट्स पर, दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, उन्हें वो परपोषी हेटेरोट्रोफ की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि एक वृक्ष है ना, इस वृक्ष के तने से पीली नुमा संरचनाएँ हैं, वो यहाँ से इसके वृक्ष के तने से लेकर इनकी ब्रांचेज से पीली नुमा संरचनाएँ हैं वो लिपटी हुई होती हैं, तो इन पीली नुमा संरचनाओं को कहा जाता है परजीवी, और ये जो वृक्ष है ये वृक्ष को कहा जाता है परपोषी। परजीवी को कहते हैं पेरासाइट और परपोषी को कहते हैं होस्ट, है ना। अब समझिए, परपोषी जो मेथड है प्लांट्स में, हेटेरोट्रोफ है, इन प्लांट्स में क्या होगा, इन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, हरित वर्णक नहीं पाया जाएगा, हरित वर्णक प्रेजेंट नहीं होगा, तो इनका भोजन कैसे बनेगा, इनको तो जीवित रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होगी, भोजन की ज़रूरत होगी, तो भोजन कैसे प्राप्त करेंगी। भोजन के लिए एक इनके पास में ऑप्शन बचेगा कि ये जो दूसरे ग्रीन प्लांट होते हैं इन पे ये आरोहित रूप से इन पे क्या हो जाए, इनसे चारों ओर लपट जाए, इन पे आरोहित हो जाए, है ना। तो जो प्लांट्स होगा, ग्रीन प्लांट्स होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक है, उनको ये पीला जो पीली नुमा जो संरचना बताई है
पीला प्लांट है ये उन पोषकों को ग्रहण कर लेगा, यानी इस प्लांट पे ये निर्भर होगा। इसलिए जो पादप है दूसरों पर निर्भर होता है वो पादप पैरासाइट कहलाता है, और जो पादप है वो इसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है वो होस्ट कहलाता है, परपोषी कहलाता है। और ऐसा एग्जांपल आपको अमर बेल में देखने को मिलता है। अमर बेल को कसकूटा कहते हैं और रिजका होता है ना, रिजका होता है या रजका होता है, आई एम नॉट क्लियर कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन आप सभी जानते हो रिजका होता है जो पशुओं का चारा है, और अमर बेल है, उन दोनों में ये जो कॉम्बिनेशन है ये देखने को मिलता है। हेटरोट्रोप यानी परपोषी जो है वो विषमपोषी हेटरोट्रोप प्रणाली है वो देखने को मिलती है। और पैरासाइट और होस्ट इनको ध्यान में रखना, कई बार इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कौन सा होस्ट होगा, कौन सा पैरासाइट होगा, कौन सा विषमपोषी परपोषी, ऐसे देखकर भी पूछा जा सकता है। दूसरा एक जो देखने को मिलता है, कीट भक्षी पादप, और ये पादप है ये ग्रीन, ये तो श्योर है कि जो पैरासाइट होंगे वो ग्रीन कलर के नहीं होंगे, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, ये ग्रीन के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब क्या होगा, कीट भक्षी पादप होते हैं ये पादप, कीटों का भक्षण करते हैं, उनको पचा भी जाते हैं, है ना, आश्चर्यचकित कितना सरप्राइजली है कि कीट भक्षी पादप होते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं नहीं हो सकते, कैसे वर्क करते हैं, काम करते हैं, इनकी जो लीफ होती है, पत्ती होती है वो मटके के आकार की हो जाती है, घड़ी के आकार की हो जाती है। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो ऊपरी भाग, इसका पत्ती का ऊपरी भाग ढक्कन बनाता है। अब घड़े में मटके में क्या होंगे, यानी जो लीफ मॉडिफाइड हुई है मटके के आकार की, उस मटके में अनेक रोम होंगे, अनेक छिद्र होंगे, और ध्यान दीजिएगा उन रोमों की पोजिशन पूछी जा सकती है। वो रोम मटके में, यानी कि जो पत्ती का रूपांतरित भाग जो घड़ा था, मटका था, उसमें जो रोम होते हैं वो अधोमुखी यानी नीचे की ओर है वो व्यवस्थित होते हैं। इसकी क्रम को आप ध्यान में रखना। रोम इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि कोई भी कीट इसके अंदर आएगा, फंस जाएगा, और बाद में क्या होगा, इनसे जो यहाँ जो मटका था, पत्ती का रूपांतरित भाग था, वहाँ से पाचक रस है वो स्रावित किए जाएंगे, कीटों को पचा लिया जाएगा और प्लांट है वो डाइजेस्ट कर जाएगा। ये हो गया कीट भक्षी पादप, है ना। इनको क्यों ज़रूरत पड़ी, इनको ज़रूरत पड़ी कि ये इस प्रकार के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कीट जहाँ पर, जैसे कि मान लो कि प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए इन प्लांट को क्या करना पड़ता है कि इन पूर्ति, इन खनिज तत्वों की, या फिर जो भी कीटों में पाया जाता है, जो मिनरल्स वगैरह या जो भी हैं, इनकी पूर्ति के लिए इन प्लांट्स को इन पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं, वरना ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये होता है कीट भक्षी पादप, और ये किस में देखने को मिलता है, एग्जांपल इम्पोर्टेंट है संड्यू प्लांट है, और एक प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रे। ये आपका यहाँ पे संड्यू प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रे कीट भक्षी पादपों के उदाहरण हैं। कीट भक्षी पादप इस प्रकार से कीटों का भक्षण करते हैं, पचाते हैं, इनमें रोम पाए जाते हैं, नीचे की ओर होते हैं, और पैरासाइट का ये एग्जाम्पल तो देखने को मिलता है। प्लांट्स में पोषण कंप्लीट हो चुका है, कल डिस्कस किया था खनिज पोषण, और आज डिस्कस किया है दो मेथड होते हैं, ऑटोट्रोफ हेटरोट्रोफ, प्लांट्स कैसे भोजन खुद बनाते हैं, कैसे दूसरों पर निर्भर होते हैं। पोषण है कंप्लीट हो चुका है, अगले लेक्चर में जो रेस्पिरेशन सब्सन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।